अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो रमज़ान में हम सभी के घरों में तरह तरह के पकोड़े बनाए जाते हैं, तो आज हमारे किचन में भी मूंग दाल के पकोड़े बन रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए। तो फिर चलिए देखते हैं मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये एक कप मूंग दाल मैंने ली है, इसको मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धोकर इसे भिगो कर रख दिया था 2 घंटे पहले। और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने बारीक चॉप की हुई। हरा धनिया लेंगे हम बारीक कटा हुआ, और 5 छोटी साइज़ की हरी मिर्च को भी मैंने बारीक काट लिया है। ज़ीरा लेंगे हम 1/2 टीस्पून। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून। कुटा हुआ साबित धनिया लेंगे हम 1 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो मूंग दाल भिगोकर रखी थी उसे हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, अगर आपने इसे बहुत ज़्यादा बारीक पीस दिया तो फिर आपके मूंग दाल के भजिए जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और इसे पीसने के लिए मैंने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो दाल को मैंने पीस कर इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें ये ज़ीरा ऐड करेंगे, और ये कुटा हुआ धनिया भी हम इसमें डाल देंगे। ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर भी इसमें डाल देंगे। नमक डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च, और ये हरा धनिया भी हम इसमें डाल देंगे। प्याज डालेंगे, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर उठाकर इसमें डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है, मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। अगर हमने इसे बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई कर लिया तो ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इसीलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। देखिए अब ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। इसमें हमें बार बार चम्मच नहीं चलाना है, जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तभी हमें इसकी साइड चेंज करनी है। अब ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में, और इसी तरह से हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो सारे मूंग दाल के पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को दबाकर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।